नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम चिकन की बढ़िया सी रेसिपी बना रहे हैं, चिकन और मस्टर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सॉल्ट, लेमन जूस, हाफ लेमन मैं थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ और थोड़ा सा दूसरे मैरिनेशन में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, अब इसमें डालेंगे ओरिगैनो, जो पिज्जा में पिज्जा के बेस में जो डालते हैं, पिज्जा के ऊपर टॉपिंग में डालते हैं, उसको डाल देते हैं। मिक्स्ड हर्ब है ये, ड्राई वाले। इसमें ऑलरेडी स्पाइस थोड़े से थे, रेड चिली, फिर भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके 10 मिनट्स के लिए रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अगर आप इसके नॉन वेज के बदले आप वेजिटेरियन बनना चाहते हैं तो इसी तरह से आप वेजिटेबल या फिर पनीर, जो भी हो आपके पास, उसको इस तरह से मैरिनेट करके भी बना सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। तो देखिए, इसको मैरिनेट करने के 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। कोई से भी रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं आप, मैं इसको ऑलिव ऑयल से बना रही हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल में ना बनाएं इसको। तो तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए फिर हम डालेंगे एक एक करके चिकन को। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक और एक मैरिनेशन तैयार करते हैं हम इसमें डालने के लिए। यह है टमाटो सॉस। इसमें हम डालेंगे जो हाफ लेमन हमने थोड़े से उसमें डाला था और थोड़ा सा अब इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड ये रेडीमेड मिल जाती है, इंग्लिश मस्टर्ड ले लिए आप या फिर बंगाली कासुंदी है वो भी ले लीजिए, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं इसको। घर में बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ले लें और थोड़ा सा इसमें जीरा और एक लाल मिर्च, और जब आप पीसेंगे इसमें थोड़ा सा इसमें नमक डाल के पीसें ताकि इसमें जो कड़वाहट है सरसों की वो ना रहे। तो इस तरह से इसको फाइन पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के इसको फाइन पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर रेडीमेड है तो मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। दो चम्मच डाली हूँ, आप अपने क्वांटिटी, चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से इसको अमाउंट ले लें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी, तो स्वीट सावर एंड स्पाइसी टेक्सचर के लिए, टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं। और अगर आप पनीर और वेजिटेबल यूज करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हनी डाल देंगे तो और टेस्टी लगेंगे। तो इसमें डालेंगे अभी हम ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हमने चिकन मैरिनेशन में डाला था थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, चिकन में हमने डाला था थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर क्रश करके, फाइन पाउडर नहीं है ये, क्रश्ड है। अब इनको मिला के मिक्स कर लेते हैं। मैं चिकन चेक कर लेते हैं, ये जब तक पूरी तरह से कुक ना हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। अभी होना थोड़ा बाकी है, इसको कवर लगा लेते हैं। देखिए चिकन परफेक्टली बॉयल्ड है।
अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमारा सीजन ड्रेसिंग हमने मिक्स करके रखा था उसको डाल देते हैं। ये हमारा ड्रेसिंग है, इसमें से जितना हमको चाहिए उतना डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा जो मसाला ड्रेसिंग मसाला है वो ज़्यादा ना हो जाए। इसे आप इस दोस्तों इसको स्नैक्स में या फिर स्टार्टर में भी आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और डालना है हमको। देखिए कितना बढ़िया सा ये मसाला पूरा लिपट गए हैं इसमें। एक परफेक्ट स्नैक्स है या फिर स्टार्टर है, कहिए किसी तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे ये। तो दोस्तों ये हमारा मस्टर्ड चिकन रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। दोस्तों पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर लें। थैंक यू।